हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। देखिए आज का जो वीडियो है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, बहुत डिमांड थी इसकी मेरे पास में, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए आपसे पहले मैं इसका ओवरव्यू बना चुका हूँ, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन, डीअमीनेशन रिएक्शन और कीटो एसिड से क्या क्या बनता है, वो सब मैं बता चुका हूँ। वीडियो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन, बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, आखिर तक देखना, आई गारंटी के आपको वो समझ में आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करने वाला हूँ, अगर उन क्वेश्चंस के जवाब आप इस वीडियो को देखने के बाद दे देते हैं, दैट मींस इस टॉपिक को आप किसी भी एंट्रेंस में, किसी भी एग्जाम्स में आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसअमीनेशन, जो कि ये टॉपिक ही है भाई हमारा आज का। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ कीटो एसिड। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट नेम द कोएंजाइम दैट इन्वॉल्व इन ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द एंजाइम दैट कैटलाइजेज द ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन। इनके जवाब अगर आपको वीडियो को देखने के बाद मिल जाएँ तो कमेंट करके बता देना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन में। देखिए हमारे पास होता है एक अमीनो एसिड, मैं बताता हूँ आपको ट्रांसअमीनेशन क्या होता है। हमारे पास में एक अमीनो एसिड है, ठीक है, अमीनो एसिड है हमारे पास में एक। इस अमीनो एसिड हमारे पास जो होते हैं, अमीनो एसिड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके पास में एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है इस अमीनो एसिड में, ये होते हैं हमारे पास अमीनो एसिड। अच्छा, अगर मैं कहूँ हमारे पास एक ऐसा अमीनो एसिड है, हमने उसमें से ये NH3 ग्रुप निकाल दिया, तो जो बचा हुआ हमारे पास एक कंपाउंड है उसको बोलते हैं कीटो एसिड। तो हमारे पास में एक अमीनो एसिड है और एक कीटो एसिड है, मैं शॉर्ट फॉर्म करके लिख दे रहा हूँ KA कीटो एसिड। ये दो चीज़ें हमारे पास में हैं जिनके बेसिस पर ये रिएक्शन होगी ट्रांसअमीनेशन। देखिए ट्रांस और अमीनेशन, ट्रांस मीन्स ट्रांसफर एंड अमीनेशन, अमीन क्या है, अमीन एक अमीनो ग्रुप है जो कि अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप, ठीक है, उस अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर ही कहलाता है ट्रांसअमीनेशन। जस्ट बेसिकली इसमें होता क्या है, शफलिंग ऑफ अमीनो ग्रुप। ये एक अमीनो एसिड है, यहाँ एक हमारे पास में अमीनो ग्रुप है उस अमीनो एसिड में, उसका ट्रांसफर इस कीटो एसिड के पास, यही कहलाता है ट्रांसअमीनेशन। अब देखिए क्या होगा, हमारे पास में एक अमीनो एसिड है, ये एक हमारे पास में कीटो एसिड है, जब ये अमीनो ग्रुप इस कीटो एसिड के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा उसी को बोलेंगे ट्रांसअमीनेशन। तो जब अभी मैंने कहा था कीटो एक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो अमीनो एसिड ही है लेकिन उसमें अमीनो ग्रुप नहीं है, तो जब इसके पास ये अमीनो ग्रुप पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप निकल गया तो वो बन जाएगा कीटो एसिड। तो बेसिकली क्या होगा, देखिए जो इसका रिएक्शन है उसमें ये अमीनो एसिड ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो एसिड में, क्योंकि यहाँ से अमीनो ग्रुप निकल गया और ये कीटो एसिड के पास अमीनो ग्रुप पहुँचेगा तो ये बन जाएगा अमीनो एसिड, इसके पास सॉरी अमीनो ग्रुप पहुँचेगा तो ये बन जाएगा अमीनो एसिड। ये होता है ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन। अब देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना करके हम इसको देखते हैं कि बेसिकली ये रिएक्शन होती कैसे है। देखिए हमारे पास में सबसे पहले क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम अमीनो एसिड का, जिसमें एक कार्बन से एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक तरफ इसमें अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक तरफ इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अब क्या होगा, देखिए इस अमीनो एसिड स्ट्रक्चर में हमारे पास में क्या है, दूसरा एक कीटो एसिड है, अगर मैं इसमें से ये अमीनो ग्रुप निकाल दूं तो स्ट्रक्चर जो बचेगा वो होगा कीटो एसिड। तो ठीक है उसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, देखिए ये H यहाँ पर ये R1 इसको भी लेते हैं और ये है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड और इस कार्बन से अटैच्ड यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन। सो ये अमीनो एसिड है, ठीक है, और ये कीटो एसिड है, ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इस अमीनो ग्रुप को यहाँ इस ऑक्सीजन के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं इस कार्बन के पास, और इस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देते हैं इस अमीनो ग्रुप की जगह, तो जो रिएक्शन हमारे पास आएगी वो बनेगा, यहाँ पर देखिए
ये वाला जो स्ट्रक्चर था अमीनो एसिड का हाइड्रोजन, इसको हम लिखते हैं R2, ठीक है। तो इस अमीनो ग्रुप की जगह यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और बाकी का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। प्लस हमारे पास जो ये वाला स्ट्रक्चर था कीटो एसिड का, इसमें ऑक्सीजन की जगह मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं इसको। देखिए ये है हमारे पास कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक तरफ इसको R2 लिखते हैं, और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह अमीनो ग्रुप आ गया। तो सिंपली ये अमीनो ग्रुप इस ऑक्सीजन के पास ट्रांसफ़र हो गया, इसी को कहते हैं ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन। ये तो हो गया सिंपल फॉर्म ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन का। देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रांस अमीनेज, जो कि इस पूरे रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, ठीक है, ट्रांस अमीनेज। इसके बाद में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक कोएंजाइम भी होता है, तो इस रिएक्शन में सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी बना दूंगा, कमेंट करके बता देना भाई, घबराओ मत। देखो यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप पहले ट्रांसफ़र होता है एक कंपाउंड जिसका नाम है पाइरीडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, अगर समझ में आपको आ रहा दिख रहा हो। पाइरीडॉक्सल फॉस्फेट के पास पहले ही अमीनो ग्रुप जाता है, जब इसके साथ जाके जुड़ेगा, ये एक कोएंजाइम है पाइरीडॉक्सल फॉस्फेट, जब इसके साथ ये अमीनो ग्रुप जुड़ेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरा कंपाउंड जिसका नाम है, मार्कर को तेज़ कर लेते हैं, ओके, पाइरीडॉक्सल फॉस्फेट, जब इससे अमीनो ग्रुप जुड़ा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PLP, जिसका नाम आपने सुना होगा ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन आते ही, ठीक है। तो PLP क्या है, पाइरीडॉक्सामीन फॉस्फेट। ये पाइरीडॉक्सामीन फॉस्फेट अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा कीटो एसिड के पास में, तो ऐसे रिएक्शन जाती है और कीटो एसिड तक पहुंचती है, कीटो एसिड अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड जो था वो कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द टोटल ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन। जनरल स्ट्रक्चर्स के साथ मैंने बताया है, एग्जांपल्स के साथ चाहिए तो कमेंट करके बता दें। एक और चीज़ जो इसमें आपको मैं बताना भूल गया वो ये कि ये पूरा रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इधर भी हो सकता है ये रिएक्शन और इधर से इधर भी हो सकता है ये पूरा रिएक्शन, और यहाँ पर कोएंजाइम PLP, पाइरीडॉक्सामीन फॉस्फेट और ट्रांसअमीनेज वर्क करते हैं एक साथ में। हैंड रिटन नोट्स आर अवेलेबल फॉर दिस टॉपिक। अगर हाथ के लिखे हुए मेरे नोट्स चाहिए तो वीडियो पर कमेंट करके बता दो कि भाई नोट्स चाहिए, मैं नोट्स भी दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि यार सपोर्ट करो, बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने में, आपके सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है ये सब करने का। धन्यवाद। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कैसा लगा। थैंक यू।